जी बच्चों, आज आप सीखेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीप्लाई एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इस क्वेश्चन में हम करेंगे मल्टीप्लाई और जो आंसर आएगा वो हम ब्लैंक्स में लिखेंगे। तो इसमें पहले ये वन पार्ट में देखें, लिखा हुआ है 13.2 मल्टीप्लाई 7 इक्वल ब्लैंक। इस क्वेश्चन में ये डेसिमल नंबर लिखा हुआ है 13.2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट के बगैर वर्टिकली फॉर्म में लिखे। यहाँ देखें, ये वर्टिकली फॉर्म में मैंने लिखा है 132/7, इसमें पॉइंट नहीं लगाया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट के बगैर ही। अब 7 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 2 = 14 आएगा, 14 का 4 यहाँ आएगा और 1 यहाँ आ जाएगा। अब सॉरी, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा, 21 में ये 1 प्लस करेंगे तो 22 बनेगा, 22 का 2 यहाँ आएगा और 2 यहाँ कैरी आ जाएगा ऊपर। अब ये 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, 7 × 1 = 7 प्लस 2 करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब इसका ये आंसर आ गया 924। अब हम आंसर में पॉइंट लगाएंगे। अब हम पहले ये आंसर 924 इस ब्लैंक में लिखेंगे 924। अब यहाँ पॉइंट आएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन में कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, यानी कि डीपी, डेसिमल प्लेसेस की शॉर्ट फॉर्म है डीपी। अब पॉइंट के आगे जो नंबर होते हैं उनको हम डेसिमल प्लेसेस कहते हैं। इसमें पॉइंट के आगे कितने हैं, 1 नंबर, और इसमें पॉइंट नहीं है। अब टोटल 1 डीपी है, यानी कि पॉइंट के आगे 1 नंबर है, आंसर में भी पॉइंट के आगे 1 ही नंबर होना चाहिए। अब हम 4 से पहले यहाँ पॉइंट लगा देंगे। अब इसमें देखें, पॉइंट के आगे 1 डीपी आएगा आंसर में भी और क्वेश्चन में भी 1 डीपी, तो ये आंसर हमारा करेक्ट है 92.4। इसी तरह ही हम ये सेकंड पार्ट करेंगे। इन दोनों नंबर को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट के बगैर। अब इन दोनों नंबर्स को भी मैंने पॉइंट के बगैर लिखा है यहाँ वर्टिकली फॉर्म में। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इनको। कैसे करेंगे, पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले तीनों नंबर से। पहले 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 4 = 8 आएगा। अब 2 को किससे करेंगे, 7 से, 2 × 7 = 14, 14 का 4 नीचे आ जाएगा और 1 कैरी यहाँ 3 के ऊपर आ जाएगा। अब ये 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, 2 × 3 = 6, 6 में प्लस 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा, यहाँ 7 लिखें। अब हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले तीनों नंबर से, तो पहले हम 8 के नीचे क्रॉस लगा देंगे यहाँ पे और ऊपर वाला ये कैरी भी ख़त्म कर देंगे। अब हम 1 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 आंसर आएगा, 4 इसके नीचे आ जाएगा, 4 के नीचे। अब 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आएगा, क्योंकि 7 × 1 = 7 ही होता है। अब 7 इसके नीचे आ जाएगा। अब ये 1 को किससे करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, 1 × 3 या 3 × 1 = 3 होता है, इसका आंसर 3 आगे यहाँ लिख देंगे 3। अब हम इनको प्लस करेंगे, पहले 8 में प्लस कुछ नहीं होगा, 8 के नीचे क्रॉस है इसलिए 8 ऐसे ही आ जाएगा। अब 4 में 4 प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा ये। अब ये 7 में 7 प्लस करेंगे तो 14 आएगा, 14 का 4 लिखेंगे और 1 या कैरी यहाँ आ जाएगा। अब ये 1 3 में प्लस कर देंगे तो क्या बनेगा, 4। अब ये पॉइंट के बगैर आंसर आ गया 4 4 8, या हम आंसर यहाँ लिखेंगे 4 4 8 8। अब इस आंसर में हम पॉइंट लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे कितने डीपी हैं, यानी कि कितने डेसिमल प्लेसेस हैं। इसमें पॉइंट के आगे 1 नंबर है और इसमें पॉइंट नहीं है, तो इस क्वेश्चन में भी 1 डीपी है, यानी कि 1 डेसिमल प्लेसेस, तो आंसर में भी 1 डेसिमल प्लेसेस हो, यानी कि पॉइंट के आगे 1 ही नंबर आएगा, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब इसका आंसर आ गया 448.8। इसी तरह ही हम डेसिमल नंबर को सिर्फ पॉइंट के बगैर ही मल्टीप्लाई करते हैं और सिर्फ आंसर के साथ पॉइंट लगाते हैं। अगर हम क्वेश्चन में यहाँ भी पॉइंट लगा दें और यहाँ नहीं है तो फिर उसके बाद आंसर में लगाते हैं। जब इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं पॉइंट लगा के, फिर भी हम इनमें भी पॉइंट नहीं लगाते, इसमें भी नहीं आता, फिर आंसर के साथ आता है। पॉइंट के आगे 1 नंबर है तो यहाँ भी पॉइंट आ जाता है।